भारतवर्ष एक महान सभ्यता है, जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई, भांग की नोक से खेत में जो रेखा बनी, ये हमें उसमें प्राप्त हुई। इसलिए हम अपनी पुत्री को मिथिला की राजकुमारी मैथिली सीता बनाएंगे। इसे पुत्री के रूप में स्वीकार करने वाले हम कौन होते हैं? हमें माता पिता के रूप में स्वीकार कर इसमें हमारा जीवन तय कर दिया है। कंगना रनौत की आने वाली समय में हमें एक और एक्शन वाली मूवी देखने को मिल सकती है। वैसे तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी समय पहले कर दी गई थी, लेकिन अभी तक फिल्म के ऊपर काम शुरू नहीं हो पाया। हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की सीता मूवी की। फिल्म को लेकर पहले कई सारी अपडेट्स भी सामने आ गई थी, लेकिन बीच में फिल्म को लेकर हमें कुछ सुनने को नहीं मिला। लेकिन अब दोबारा से फिल्म को लेकर अपडेट शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि सीता मूवी की बहुत ही जल्द शूटिंग शुरू हो सकती है। फिल्म को लेकर अभी तक कुछ ज्यादा अपडेट्स तो सामने नहीं आए, लेकिन फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि फिल्म में हमें कंगना रनौत सीता के रोल में देखने को मिलेगी। और कंगना रनौत को इन्हीं रोल्स के लोग जानते भी हैं। पहले सीता के रोल के लिए करीना कपूर को कास्ट किया गया था, लेकिन करीना कपूर का नाम उसमें कई सारी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद सीता के रोल के लिए कंगना रनौत को फाइनल किया गया। वहीं बात करें फिल्म की बाकी की कास्टिंग की, तो अभी तक उसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन फिल्म में कंगना रनौत का सीता माता का रोल ये बिल्कुल फाइनल है। कंगना रनौत के साथ साथ फिल्म में हमें और भी कई बड़े कलाकार देखने को मिल सकते हैं, और अब देखना ये होगा कि ये बड़े कलाकार कौन होते हैं। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक अलौकिक देसाई के डायरेक्शन में बनाए जाने वाला है। अलौकिक देसाई ने खुद सोशल मीडिया पर इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी और कहा था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब देखना ये होगा कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ अलौकिक देसाई क्या नया लेकर आते हैं। सीता फिल्म को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी तक अपडेट तो सामने नहीं आए, लेकिन कहा जा रहा है कि 2024 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है और फिल्म में हमें कंगना रनौत काफी बड़ा एक्शन करते हुए दिखाई देने वाली है। अगर 2024 में फिल्म की शूटिंग शुरू होती है तो ये फिल्म हमें 2025 तक देखने को मिल जाएगी। इससे पहले तो ये फिल्म देखने से रही, यानी कि अभी हमें फिल्म को लेकर काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी को लेकर भी अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म की स्टोरी सीता माता की लाइफ के ऊपर होने वाली है और आने वाले समय में इसको लेकर कुछ ना कुछ अपडेट्स तो मिल जाएगा। तब तक के लिए हमें दोस्तों थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि जब मेकर्स इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे, तो इस दौरान हमें फिल्म के रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट वीडियो या पोस्टर देखने को मिल जाए, जिसमें कंगना रनौत के लुक को रिवील किया जाए, और कंगना रनौत के लुक को देखने के बाद ही फिल्म की स्टोरी को थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता है कि क्या होगा। और मेकर्स के मुताबिक अभी फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, आने वाले समय में उसे भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद फिल्म की बाकी की अपडेट्स और पूरी कास्टिंग के बारे में सब पता चल जाएगा। बस अपडेट्स जानने के लिए दोस्तों थोड़ा सा और इंतजार। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।